नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल क्लासिक चेस न्यूज। हर वीक एक सब्सक्राइबर का गेम लेकर आएंगे, चाहे वो रेटेड हो अनरेटेड हो कुछ भी हो, हर गेम से सीखने को मिलता है। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर जिस टाइम में ये गेम खेली गई थी 1951 इनकी रेटिंग थी, उनके अपोजिट में थे अलेक्जेंडर, वो ऑस्ट्रेलियन IM है और 1992 में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल विनर है, वहाँ के चैम्पियन हैं। तो आप लोग जो भी सब्सक्राइबर हैं अपना गेम भेजिए, हम एक एक करके उसको हर वीक में एक गेम लोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइट पीसेस थी राजन जी की और उन्होंने E4 चला और नाइट F6, नाइट C3 और D5, E takes D5 और नाइट टेक्स D5। नाइट पर अटैक है, डबल अटैक, तो नाइट गया B6 पे अटैकिंग द बिशप। अब बिशप जो है पीछे आया B3 पे और देखिए बड़े खिलाड़ियों से अगर खेलते हैं तो पहला चीज़ डेवलपमेंट, दोनों साइड से डेवलपमेंट हो रहा है जैसा कि आप गेम में देख पा रहे हैं। तो पीसेस का डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, प्लस उसके थ्रेड्स के काउंटर करना है। बस इतना ही करते रहिए कि उसका थ्रेड क्या है उसको काउंटर करना है और अपना डेवलपमेंट। अभी बिशप निकालने के लिए E6 चला, बिशप कहीं भी निकल सकता है, इन्होंने भी D4 चल दिया अपना लाइट डार्क स्क्वायर बिशप निकालने के लिए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वाइट ने भी अपने सारे माइनर पीसेस निकाल चुके हैं और ब्लैक भी अपना सारा माइनर पीसेस निकाल चुका है। तो अब कैसलिंग की देरी है ब्लैक की, नेक्स्ट मूव में उसने कैसलिंग भी कर लिया, तो अब सारे कैसल्ड हैं, माइनर पीसेस बाहर हैं, कहीं से कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। अब रुक का नेचुरल प्लेस जो है E1 पर आया। अब नाइट इस वाइट के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर उसको किक करने के लिए जगह बनाया, तो पहले ही नाइट D5 पर चला गया और बिशप पर अटैक कर रहा है। बिशप गया पीछे G3 पे और दूसरा नाइट, अब दोनों में से कोई भी नाइट इस जगह पे आके अटैक कर सकता है। तो बाकी यहाँ पर C3 चल के बंद किया, एक नाइट गया F6 पर, नाइट टेक्स नाइट। यहाँ पर अब बिशप पर अटैक है। जो लोअर रेटेड प्लेयर होते हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस एक्सचेंज हो जाए ताकि ड्रॉ की तरफ गेम जाए, और जो हायर रेटेड हैं वो अपने सहूलियत के हिसाब से खेलते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा पीसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सिचुएशन, तो वहाँ जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ बहुत अच्छे जगह पर नाइट बैठ गया जाके, अब क्वीन पर अटैक है, क्वीन गया E2 पे और यहाँ बिशप एक्सचेंज हो गया। तो ये राजन जी के लिए अच्छी बात थी। अब यहाँ इनके बिशप पर अटैक है, तो कोई बात नहीं, ये क्वीन का मूवमेंट समझ में नहीं आया थोड़ा, ठीक है, ओपन फाइल पर शायद प्रेशर बनाना चाहते थे। अब इनका क्वीन यहाँ आया है तो हमारे एरिया में कहाँ थ्रेट लगा सकता है, एक B3 पर ही है, बाकी सब जगह तो अगर देखा जाए तो कवर्ड अप है, यहाँ क्वीन से, यहाँ पॉन से, यहाँ पॉन से, यहाँ पॉन से, यहाँ नाइट से, तो कोई जगह नहीं है। यही एक जगह है जहाँ क्वीन एंटर कर सकता है, वो एंट्री बंद कर दी। आप अगले का कोई भी थ्रेट, कोई भी एंट्री बंद कर दो अपने इलाके में तो फिर अटैक लगेगा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर सेंटर में आ गए रुक और ये बिशप पीछे गया, शायद वहाँ से ओपन करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर रुक लिफ्ट हो गया, रुक E3 पर जाने के लिए तैयार। यहाँ पहले जो एक पॉन है, यहाँ नाइट पर अटैक कर दिया F6 चल के, तो अब इसको स्टॉप किया, G5 को स्टॉप करने के लिए पॉन चला। बाकी अब ये दोनों रुक करेक्टेड हैं सेमी ओपन फाइल में। अब इस सिचुएशन में वाइट क्या चलेगा, पहले इसने क्वीन पर अटैक किया, देखिए कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पासर तैयार हो रहा है। और इस सिचुएशन पहले रुक टेक रुक्स और क्वीन टेक रुक के बाद ये एक पास पॉन क्रिएट हो गया। तो ये बहुत डेंजरस होते हैं एंड गेम में, अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो उसके बाद से फिर देखिए इस टाइप से भी थ्रेट लगा सकते थे क्वीन को रख के और इसको आगे बढ़ सकते, लेकिन बिना रुक के पास जो पॉन है वो कोई ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, एक बड़ा पीस होना चाहिए उनको डिफेंड करने के लिए। यहाँ इस टाइप से सिचुएशन करके ब्लैक अगर चाहे तो यहाँ से थ्रेट लगा के
और किंग इधर जाता है f1 पे, तो चेक देके बाकी इन सब पोनों को पर अटैक किया जा सकता है। तो देखिए वो सिचुएशन आ पाता है कि नहीं। क्वीन ने जैसे ही f5 पे लिया, यहाँ क्वीन एक्सचेंज का ऑफर, और जो IM थे अलेक्जेंडर, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि और कोई डायरेक्ट अटैक नहीं बन रहा है कहीं पर। तो यहाँ पर सिचुएशन हो गया, एक पासर पॉन है। अब जो लास्ट में माइनर पीस बच जाते हैं, तो किंग भी एक पीस की तरह इसका भी यूज करना चाहिए, जितना इसका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किंग तो, और सेंटर की तरफ हमेशा ले जाना चाहिए। एंड गेम में जितना सेंटर की तरफ किंग रहेगा, उतना जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जो बिगनर हैं। तो अभी b6 वाले पॉन पर अटैक हैं, तो उसको सेव किया। अब इस सिचुएशन में ये एक मिस्टेक कहेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे भी उस साइड तो कोई बिशप का जगह था नहीं कहीं चलने का, कि अगर d6 पर भी चलते तो फिर लॉस ही था। तो इनको चाहिए था कि जी पॉन को बढ़ा के और इस साइड से कहीं पर वैसे उसका यूज करें, क्योंकि बिशप एक तरह से बंद है। बिशप का एक ही फ़ायदा होता है कि जितना खुला जगह मिले, जितने पॉन एक्सचेंज हो जाएं, उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसका फ़ायदा उठाया राजन सुबेदी जी ने, और इस सिचुएशन में IM अलेक्जेंडर ने रिजाइन कर दिया था। अगर नहीं रिजाइन करते तो भी देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था। वो पासर तो बनेगा ही बनेगा, कोई इसका तोड़ नहीं है, कोई रोक नहीं सकता इसको। धीरे धीरे करके वो क्वीन बन जाएगा, और फिर वो मेंटल टॉर्चर होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आशा करते हैं इस गेम को देखकर इससे एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी बहुत बड़े प्लेयर से डरना नहीं चाहिए। और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नहीं डरते हैं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रैंड मास्टरों को पसीने निकाल दिए हैं। तो इन सब गेमों से आप यही सीखा कीजिए, जो छोटे प्लेयर कभी बड़े प्लेयर को हराते हैं। यहाँ देखिए तो 450 के रेटिंग के आसपास का डिफरेंस था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।